परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो दोस्तों, ईश्वर कुछ ना कुछ सहारा जरूर देते हैं। बस विपरीत परिस्थितियों से निपटने का आत्मविश्वास अटल होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। कुंभ राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल मंथली प्रिडिक्शन सितंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा राशि के अनुसार सब कुछ जानेंगे। जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो भी आप जानना चाहते हैं, सब कुछ, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा सितंबर में, नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे, आपकी राशि के अनुसार कहां पर गोचर करेंगे, कहां दृष्टि डालेंगे, क्या आपको फल देंगे, क्या बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, और अंत में बताऊंगा क्या अचूक उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जो भी कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं चेक कीजिएगा, वो स्कैम होता है। चलिए करते हैं शुरुआत सितंबर 2023 कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला रहेगा। दोस्तों, जब सितंबर का महीना शुरू होगा तो आपकी राशि से यानी कि आपके जन्म की राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसा आप देख रहे हैं। राशि पर विराजमान है फर्स्ट हाउस में स्वयं शनिदेव विराजमान है, वहीं आपके थर्ड हाउस में विराजमान है राहु के साथ में बृहस्पति, आपके सिक्स्थ हाउस में विराजमान है शुक्र, तो आपके सेवंथ हाउस में विराजमान है सूर्य के साथ में बुध, तो आपके अष्टम भाव में है कौन, मंगल ग्रह, आपके नवम स्थान में है केतु विराजमान। अब आपको दोस्तों ध्यान से सुनना होगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा हम ये जान लेते हैं। राशि के मालिक कौन बनते हैं आपके, स्वयं शनिदेव बनते हैं, और शनिदेव वक्री हैं फर्स्ट हाउस में, वक्री हैं, इसका मतलब आपको बारहवें घर का फल भी देंगे, और शुक्र ग्रह की पोजीशन देखें तो वो भी छठे घर में बन रही है। सिर्फ दोस्तों आपको ऑयली चीजों पर कंट्रोल करके चलना होगा इस महीने। हालांकि स्वास्थ्य कोई खराब नहीं है क्योंकि शनिदेव फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत तो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ऑयली चीजें खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, शुक्र छठे घर में है सिर्फ इसलिए, वो भी खासकर मीठी चीजों पर यानी कि शुगर जिसमें हो उस चीज में सिर्फ, बाकी कोई समस्या यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव ज्यादा ही खराब है, नीच के हैं, बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर आपको घुटने में और पैरों में थोड़ी तकलीफ देखी जा सकती है सिर्फ। वही बात करें आपके हम पढ़ाई की, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। पंचम भाव होता है दोस्तों पढ़ाई का, समझिएगा, और पंचम भाव के मालिक कौन बनते हैं आपके, यहां पर बुध ग्रह बनते हैं, और बुध ग्रह की पोजीशन है सेवंथ हाउस में बुध आदित्य राजयोग। अगर ये महीने आपका प्रश्न है कि मैं कोई फॉर्म फिल कर लूं गवर्नमेंट में, हां कर लीजिए क्योंकि बुध केंद्र में है। अगर आपका प्रश्न है कि मेरा इस महीने एग्जाम है तो वो कैसा जाएगा, बुध केंद्र में है अच्छा जाएगा, लेकिन शनि फर्स्ट हाउस में है तो बहकावे में ना आए, भ्रमित ना हो और ज्यादा ओवरथिंकिंग ना करें। सिर्फ चंद्रमा पे शनि गोचर कर रहे हैं ना, इसलिए तो आप कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कंफ्यूज ना हो, जो आपका गोल है उस पर फोकस करें, अच्छा रहेगा, पढ़ाई इस महीने अच्छी है, ठीक है। प्रेम प्यार की प्रश्न होता है भाई बहुत लोगों का, प्रेम प्यार कैसा रहेगा हमारा सितंबर में। लव रिलेशन फिफ्थ हाउस ही होता है लव रिलेशन का, सूर्य के साथ में बुध और शुक्र छठे घर में, प्रेम के कारक शुक्र छठे घर में, कितनी भी कोशिश कर लेंगे, कितना भी अच्छा बोल लेंगे, कितना भी अच्छा कर लेंगे, फिर भी आपके पार्टनर आपकी कमी निकालने में पीछे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपसे, नहीं समझेंगे, क्योंकि शुक्र जो है ना वो प्रेम के कारक होते हैं, और किसके घर में बैठे हैं, चंद्रमा के घर में बैठे हैं, संतुष्टि नहीं होगी उनको, आप कितना भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं, थोड़ा बहुत कमी निकालेंगे आपके अंदर, चाहे वो फीमेल है मेल है, और फिर आपके अंदर भी गुस्सा आएगा, थोड़ा बहुत गुस्सा यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि फर्स्ट हाउस में 17 सितंबर से पहले थोड़ी थोड़ी बहुत फाइट हो सकती है, लेकिन उसके बाद लव रिलेशन अच्छा है। उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ, जो मैरिड है उनके लिए कैसा रहेगा यह महीना। सेवंथ हाउस होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का, सेवंथ हाउस में सूर्य किंग ऑफ प्लैनेट अपने घर में विराजमान है 17 सितंबर तक, 17 सितंबर से पहले मैरिड लाइफ अच्छी है, 17 सितंबर के बाद मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। क्यों? क्योंकि सूर्य देव अष्टम भाव में चले जाएंगे ना, राशि परिवर्तन कर लेंगे एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस कुंडली का अच्छा तो नहीं माना जाता, खराब होता है एट्थ हाउस, तो 17 सितंबर से पहले मैरिड लाइफ अच्छी है,
वैवाहिक जीवन अच्छा है, वैवाहिक जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, फैमिली, आपस में तालमेल, आपस में आप दोनों की कैसी बन रही है, अटैचमेंट कैसी है, प्रेम प्यार कैसा है, अच्छा रहेगा। 17 सितंबर के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों पर तनाव होना हो सकता है, इसलिए थोड़ा पहले से ही ध्यान रखकर चलना, ठीक है ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, बहुत मेन क्वेश्चन होते हैं ये दोस्तों। भाग्य स्थान के मालिक कौन बनते हैं? शुक्र ग्रह, विनस, और करियर के मंगल ग्रह बनते हैं। शुक्र की पोजीशन जाने में, जैसे मैंने आपको कहा, कहां पर है? सिक्स हाउस में बन रही है, और सिक्स हाउस, एट हाउस और ट्वेल्थ हाउस कुंडली के अच्छे नहीं माने जाते। यानी कि कुछ चीजें पॉइंट बताता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। नया काम शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई पार्टनरशिप शुरू करनी चाहते हैं, या फिर कोई बहुत बड़े काम के लिए निकलना चाहते हैं, तो यहां पर शुक्र कमजोर है, थोड़ा भाग्य में अड़चन हो सकती है, यह भी सत्य है। क्योंकि शुक्र जो है छठे घर में है ना, छठा घर कुंडली का अच्छा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको। कोई बहुत बड़ा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ना सोचिए, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा सा रुक जाइए सितंबर के महीने में, ठीक है ना। यहां भाग्य में थोड़ी बहुत अड़चन दिखा रहा है, लेकिन हाँ, शनिदेव आपके सही हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं तो फिर यहां पर शनिदेव आपको थोड़ा हेल्प करेंगे, अच्छा बनाएंगे, हर एक चीज को अच्छा बनाने में सक्षम रहेंगे, कुंडली में शनिदेव अच्छे होंगे तो। वहीं अगर बात करें आपके करियर की दोस्तों, मंगल ग्रह की जो पोजीशन मैं देख रहा हूं वो अष्टम भाव में है, जो करियर के लॉर्ड हैं वो आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं। यहां पर आपके मन में परिवर्तन का ख्याल मन में आ सकता है। अगर आप टेक्निकल में काम करते हैं तो विशेष आईटी, टेक्निकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर में काम करते हैं आप, तो यहां पर आपके मन में परिवर्तन का आ सकता है, और परिवर्तन हो भी सकता है, खासकर एमएनसी कंपनीज में, ठीक है। ये महीने कामकाज को लेकर एवरेज दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 6-8-12 घर अच्छे नहीं होते, मंगल भी अष्टम भाव में है, यानी कि थोड़ा कामकाज ज्यादा आएगा, आपको करना भी पड़ेगा। अगर आप अपने काम से भागेंगे इस महीने तो प्रॉब्लम स्वयं आपको होगी। मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करने आता, जो महीना अच्छा होता है जिस चीज को लेकर अच्छा बताता हूं, अगर खराब होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताता हूं कि ये प्रॉब्लम है, उपाय करो। तो थोड़ा करियर में थोड़ा बहुत अड़चन हो सकती है, अनसेटिस्फैक्शन का फैक्टर्स बीच में आ सकता है आपके करियर में, क्योंकि मंगल कमजोर है इस महीने। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे कि अपने काम को सबसे पहले आप खुद चेक करिएगा इस महीने, उसके बाद आप प्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी कैसा भी आप काम करते हैं, टारगेट इस महीने एवरेज रहेंगे, काम आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टेंशन रहेगी इस महीने। वहीं आपके व्यापार की हम बात करें, बिजनेस की, दोस्तों सेवंथ हाउस बिजनेस का होता है, और सेवंथ हाउस में सूर्य, बुध है, आदित्य, राजयोग, बिजनेस इस महीने काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध ग्रह सेवंथ हाउस में, डेली इनकम अच्छी रहेगी, आपसे अट्रैक्शन होंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं नई टेक्निक, नई तकनीक जोड़ेंगे आप अपने व्यापार में, और व्यापार को ग्रो करेंगे और ग्रो होगा भी आपका व्यापार। खासकर 17 सितंबर से पहले अपने व्यापार में आप कुछ कर डालिए, जो कुछ भी करना चाहते हैं कर दीजिए, कोई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं व्यापार में, कर डालिए, अच्छा रहेगा। और बिजनेस इस महीने डेली इनकम 17 सितंबर से पहले तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी, अपनी राशि के अनुसार। अब कुंडली में क्या है आपके, ये मुझे नहीं पता। क्या उपाय करने चाहिए दोस्तों आपको? महत्वपूर्ण उपाय, इस महीने शुक्र का बीज मंत्र जरूर कीजिएगा, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार सुबह। मंगल का बीज मंत्र कीजिएगा, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः 108 बार सुबह। और शनि का बीज मंत्र कीजिएगा, ओम प्राम क्रीम क्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार सूर्यास्त होने के बाद रोजाना 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।